वेल हेलो गाइस, मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशी ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल में और एक नए ब्लॉग में। हेलो बोलो। हेलो, मेरी वाइफ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। बोलो। हेलो, मेरे छोले में सबका स्वागत है। आपके छोले में स्वागत कैसे होगा? हेलो बोलो, मैं हूँ। हेलो। हाँ, ये आज बना है हमारे स्पेशल छोले और पूड़ी बना नहीं है, वो बनेगा अभी, जो कि सिर्फ मेरे और सिर्फ मेरे लिए बनेगा क्योंकि मैं पूड़ी नहीं खाता हूँ। हाँ, इनको पसंद नहीं है, इनको एसिडिटी होता है, ये सिर्फ चावल खाते हैं, तो इनके लिए मम्मी के लिए मैंने चावल बना दिया है, तो मेरे लिए पूड़ी बनाऊँ। छोले और उसको थोड़ा सा नया रूप दे के मैंने उसका बना दिया चाट और ये इंजॉय कर रहे हैं। कैसा बना है बताओ? इतना अच्छा बना है कि होटल में नहीं बनता है। अच्छा, तो इस खुशी में आप मेरे को क्या गिफ्ट दोगे बताओ? देखो, मैं गिफ्ट में लाया हूँ, तेरे लिए गिफ्ट। क्या लाए हो? ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे मालूम है, ये मुझे कभी भी कुछ भी अच्छा गिफ्ट नहीं देते। हाँ, वो ₹5 शगुन दे रहा हूँ। यार, सब देख सकते हैं, ये मेरे छोले के बदले में, छोले चाट के बदले में मुझे मिला है आज मैंने, और मैंने आटा किसे मैं रखूंगी और इनके बर्थडे में क्या दूंगी, गिफ्ट खरीद के दूंगी। ओ गाइस, अब यूट्यूब से मैं जंप करके नेक्स्ट होटल खोलने वाली हूँ, तो आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली मेरे होटल में जरूर आइएगा। नेक्स्ट मी हूँ एंड पूनम की बनाना पड़ेगा, फिर से बना के दूँ, ऐसे बना के दूँ, ऐसे सब्जी दूँ कि बना के दूँ? सब्जी दूँ बस। गाइस, इनको छोले अच्छा लगा है तो ये फिर से मांग रहे हैं मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ ना करके बनाना ऊपर से। हाँ, मीहू के लिए और मीहू के पापा के लिए मैंने चावल बनाया है और मेरे लिए मैं पूड़ी बनाऊंगी और ये इनके लिए मैं बना रही हूँ चाट। ये इसमें डलेगी हरी मिर्च, दही हम लोग के पास नहीं है अभी, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा इमली सॉस घर में बना हुआ। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, छोले जब भी बने घर में तो उसका चाट बहुत ही टेस्टी लगता है। ये आप देख सकते हैं इतना अच्छा दिख रहा है। लो, हमारी छोटी सी फैमिली, छोटी सी प्यारी सी फैमिली। किसे भाई बोले? सॉरी बोलो उसको। सॉरी सॉरी। मी हो। ये। ये यार देख, आप लोग देखो, मी हो को मैंने आज टीका लगाया, सोए थे ना तो मैं, मुझे ये छोटी बनाने नहीं देते हैं, आज मैंने इनकी छोटी भी बनाई और इनको टीका भी लगाया, अदरवाइज ये मुझे हमेशा मेरा हाथ हटा देते, कंघी करने नहीं देते हैं। कैसे घुसे मीहू? गंदी बात बेटा, फोन नहीं चलाना है ज्यादा, पूरा पापा ना तेरा पूरा आदत बिगाड़ के रखेंगे, है ना, पूरा फोन दे दे के, फोन दे दे के पूरा आदत बिगाड़ेंगे। फ्रेम में क्यों घुस रहे हो? मीहू के फ्रेम में क्यों घुस रहे हो? रात को 2 कटोरी सब्जी आपको कम मिलेगा ना, 2 कटोरी आप खा चुके हो, है ना बेटा? कहते हो तुम इन्नी बमाची, तुम कहाँ से छीख के आए हो? हाँ बताओ, मैं तो जब तुम मेरे टमी में थे तो मैं इतना बमाची तो नहीं करती थी, तुमने कैसे सीख लिया? मैं तो इतना इतना भगवान जैसे प्रे करती थी, मुझे शरीर बेबी देना करके, तो इतना बमाच बेबी कहाँ से हो गया? इतना बमाच छुन्ने बेबी भी हो गया, मैं छुन्नू बेबी। ये देखो, ये खाना खा के यहाँ बैठे हैं, ये जब सो जाते हैं ना तो मुझे ये सब कुछ समेटना पड़ता है, ये सब सारा बिस्तर ठीक करना पड़ता है, इसके लिए मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। तो मेरा ऐसा हो जाता है कि मीहू 11 बजे सोएंगे तो मैं 12 बजे सोऊंगी, मीहू 12 बजे। मैं आपको मेरे बिस्तर का हालत दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये जिसकी हालत ऐसी, किसने की है, किसने की है बताओ, किसने की है? ये मिहान है, इन्होंने ऐसा फैला के रखा है ना, ये मेरा मॉइस्चराइज़र सब यहीं पर मिल जाएगा, तैयार होना है तो भी यहीं पर मिल जाएगा, ये मेरा मॉइस्चराइज़र, ये आलू सब्जी भी बनाना है तो इस बिस्तर से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखो, सर्व सुविधा युक्त बिस्तर ये है। फ्रेंड्स, अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं ये देख सकते हैं अभी पूड़ी बना रही हूँ, यहाँ पे आटा है गुथा हुआ और यहाँ बेल रही हूँ, और मीहू मुझे परेशान कर रहे हैं, मीहू के पापा नहीं आए हैं ना, इस वजह से मैं वेट करी थी लेकिन वो मेरे ख्याल से बहुत लेट आएंगे, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। मीहू ने ये पूड़ी, फूली हुई पूड़ी देख के एक्साइटेड हो गए और इन्होंने मुझे मंगा है, लेकिन ये गर्म है ना तो ये मुझे बार बार पलट रहे हैं। लो खाओ खाओ, मम कर दो। हाँ, मम कर दो, मम कर दो। मीहू को फिर से भूख लग गया, खाना तो खाए थे।
हाँ मीहू लेके किचन में आ गई थी, ये सामने अकेले हो जाते हैं ना इसे, जैसे मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं और अच्छा लगा। मामा को खिला दो, मामा को एक बाइट, मामा खिला दो प्लीज। ये है मेरे बेटे का मम्मी के लिए प्यार, पूरा पूरी भरा है। अरे और खिलाओ ना। माय गॉड, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप लोग से बात करते करते मेरा तेल कैसे धुआं हो गया। मैं इसे बंद कर देती हूँ, फिर चालू करूंगी, फिर से चालू करूंगी, मैं धुआं निकलने लग गया है। शर्मा रहे हो, कोई बदमाशी कर रहे हो तभी तुम शर्मा रहे हो, है ना? मम्मा सब जानती है, जब मीहू बदमाशी करते हैं ना तब शर्माते हैं, स्माइल देते हैं, स्माइल। ये लो मम्मा खिला दो, इधर है माउथ, इधर है मम्मा का माउथ, इधर है। अब तुम खाओ छोटे, तुम खाओ। थैंक यू मेरा मम्मा। और ये यहाँ मीहू के पापा आ गए थे, मुझे 9:30 का कह के गए थे, लेकिन ये मेरे ख्याल से 10:30 को आए थे, है ना। मुझे इतना गुस्सा लग रहा था इनको देख के, और मीहू सोए नहीं थे ना, और वो अपने पापा का इंतज़ार करते हैं जब तक वो आते नहीं हैं। तो मीहू कभी कभी सोते हैं, वरना सोते नहीं, वो अपने पापा जब आ जाते हैं ना जो चाबी लेके, तो मुझे रखने के लिए देते हैं ला के। वेल गाइस, गुड मॉर्निंग। ये नया व्लॉग नहीं है, मैं कल का ही व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल लेट हो गया था ना, तो हम लोग खाना ना खा के सो गए थे, खाना खाते खाते लेट हो गया था। और ये देखो आज मैंने मीहू को कृष्णा बना दिया है। मीहू कितने प्यारे लग रहे हैं, मीहू से हेलो टू एवरीवन। अभी लगभग 11:30 हो रहे हैं और मैं और मीहू नहा के रेडी हो गए हैं। मीहू को मैंने रेडी कर दिया है, ये ना हमने जन्माष्टमी के लिए लिया था ये ड्रेस, लेकिन ये अब छोटा हो रहा है क्योंकि एक दिन पहनाने के बाद तो ड्रेस यूज़ नहीं हो पाता है। तो मैंने आज मीहू का टी शर्ट निकालने के लिए अलमारी खोला था और मुझे ये ड्रेस दिख गया, मैंने सोचा पहना लेती हूँ। इतने अच्छे मीहू इसमें इतने अच्छे दिखते हैं ना, ये नाटक कर रहे थे पहनने के लिए, मैंने ज़बरदस्ती घसाया है। कितने प्यारे लग रहे हैं मीहू, मेरे छोटे छोटे कृष्णा, मेरे कन्हैया, मेरे नंद गोपाल। अम्मा बोल दो होली खेलेंगे, यही वाला ड्रेस पहन के होली खेलेंगे, क्योंकि कृष्णा जी तो गोपियों के संग होली खेलते थे ना। हेलो बोलो सबको। हेलो, कैसे हैं आप सब? हेलो, टाटा बाय बोलो। मीहू खाना खा रहे हैं, मीहू अभी खाना खा रहे हैं, बैठो वहाँ पे।